हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस जोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में। आपको अच्छे से पता है ओम्बड्समैन क्या होता है? दोस्तों, आपने बैंकिंग में जरूर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम पढ़ा होगा। तो ओम्बड्समैन मतलब क्या होता है? जब भी आपने कुछ इंश्योरेंस लिया इंश्योरर से और आप अब वो जो इंश्योरर है अब उसी टर्म पर आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर कोई भी इशू हो रहा है आपको अपने इंश्योरेंस के साथ, आप सीधे जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास। वो आपकी बात सुनेगा, वो इंश्योरर का बात सुनेगा और एक फाइनल डिसीजन में लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ओम्बड्समैन के बारे में। याद रही है दोस्तों, ये जो वर्ड्स मैंने ये लिए हैं, ये जो स्लाइड है, ये मैंने आई आर डी ए आई के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। तो इसीलिए इसका सारा वर्ड अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं एक बार फिर बोलूँगा, आप इस वीडियो को या तो पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ो या फिर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, बहुत ईजी, आपको अब तक पता चल ही गया होगा। आप चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है प्रैक्टिस जोन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर प्रैक्टिस जोन भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो देखते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है क्या। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम 2017 में आया अंडर द सेक्शन 24 ऑफ IRDA। ये सब सेक्शन वगैरह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। जो जो इंडिया इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम है वो सेक्शन 24 के तहत आया था IRDA एक्ट 1999 का। इट वॉज क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर टू हैव देयर कंप्लेंट सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम एंड द कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल वे। मतलब क्या है कि अगर आपका कुछ इश्यू हो गया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आप बी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम एफिशिएंट भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, ये अभी एट प्रेजेंट देर आर 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एट डिफरेंट लोकेशन। ये जो 17 लोकेशन है, अहमदाबाद, भोपाल, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इरानकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना और पुणे, ये जो 17 लोकेशन है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसका पावर क्या है, एक ओम्बड्समैन क्या कर सकता है। तो देखते हैं, पहला है एनी पार्शियल और टोटल रिप्यूडिटेशन ऑफ द क्लेम्स बाय एन इंश्योरर। मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से, या तो पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से, जो क्लेम को पूरी तरीके से क्या बोलता है, वो खारिज कर सकता है। एनी डिस्प्यूट इन रिकार्ड टू प्रीमियम पेड और पेएबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। मगर अगर आपको कोई डिस्प्यूट है कि आप प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हो, या फिर आपका जो इंश्योरर है प्रीमियम ज़्यादा ले रहा है, या फिर अगर किसी इंश्योरर को इशू है कि इन्होंने प्रीमियम नहीं, जो भी आप प्रीमियम रिलेटेड इशू है उसको ये सॉल्व करने में सक्षम है। एनी डिस्प्यूट ऑन द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी इन सो फार एज सच डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लेम्स। मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिसी बन गया है, बनाया गया है, जो कि इंश्योरर के हित में नहीं है, या फिर जो इंश्योरर लगता है, इंश्योर्ड को लगता है कि उसके हित में नहीं है, तो उसके साथ भी अगर आपको कोई कंप्लेन है कि ये पॉलिसी सही नहीं है, उसको भी डिस्प्यूट को भी ये क्लेम मतलब सेटल करने के लिए इसके पास पावर्स होते हैं। और लास्ट में आता है डीले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अगर आप क्लेम आपने कर लिया है 20 साल का, लेकिन 20 साल के बाद आपको रिटर्न नहीं दे रहा है आपका इंश्योरर, तब भी आप इसके पास जा सकते हैं। इसके पास ये पावर भी होता है कि ये जो सेटलमेंट प्रोसेस को है उसको स्पीड अप करवा दें। ठीक है, अब आता है टर्म, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कैसे बनते हैं। सबसे पहला बात है, एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड फ्रॉम द टर्म ऑफ 3 years और टिल द इनकम्बेंट अटेन्स एन एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। 3 साल का इनका टर्म होता है, या फिर 65 years, जो भी पहले आ जाए, जो भी आपका जल्दी पड़े। और रीअपॉइंटमेंट इसमें नहीं होता, एक बार 3 साल हो गया तो खत्म, उसके बाद कोई और बनेगा इंबर्समेंट। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है या फिर जुडिशियल सेक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है When can you approach the ombudsman? आप कब जा सकते हो ombudsman के पास? सबसे पहले आपको एक 30 days का विंडो देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले कंप्लेन करो इंश्योरेंस कंपनी में, कोई भी इशू है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेन करो। अब अगर वो कंप्लेन रिजेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रिजॉल्व किए वो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर वो 30 दिन तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, बोला ना एक 30 दिन का विंडो होता है, आप 30 दिन तक वेट करना होता है आपको, उसके बाद आप जा सकते हो ombudsman के पास। योर कंप्लेंट पर्टेंस टू एनी पॉलिसी यू हैव टेकन इन योर कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल। वो किसी भी पॉलिसी, मतलब ऐसा नहीं कि ombudsman सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का केस देगा, या फिर जनरल इंश्योरेंस का केस देगा, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का, ये किसी भी पॉलिसी जो आप लिए हो उसका ये केस सॉल्व कर सकता है। द वैल्यू ऑफ द क्लेम इंक्लूडिंग एक्सपेंसिस क्लेम इज नॉट अबव 30 lakhs। ये इसका एक आप बोल सकते हैं एक लिमिट है कि 30 लाख तक के क्लेम को ही ये सेटल करवा सकता है इंश्योरेंस ombudsman। ठीक है, 30 लाख से अगर ज़्यादा होगा
पॉलिसी होल्डर हैव टू अप्रोच आइदर कंज्यूमर फोरम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर 30 लाख से ज्यादा का सम असॉर्ड है तो आपको या तो कंज्यूमर फोरम जाना पड़ेगा या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाके जो भी आपका ज्यूडिशियल प्रोसीजर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो तीन चीज आपको पता चला कि 30 दिन का विंडो देना पड़ता है, आप किसी भी का इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, और लास्ट में जो 30 लाख तक का मैक्सिमम अपर लिमिट है। कंप्लेन, अब क्या क्या कंप्लेन ये ले सकते हैं। पहला, डिले इन सेटलमेंट का क्लेम्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम एंड रेगुलेशन। वही बात है, जितना हर एक जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हुआ या टर्म इंश्योरेंस हुआ, कोई भी इंश्योरेंस उसका एक टाइम लिमिट होता है। अब टाइम लिमिट के बाद भी अगर इंश्योरर आपको रिटर्न नहीं दे रहा है या फिर सेटलमेंट क्लेम नहीं कर रहा है, जो आपका क्या बोलते हैं सेटलमेंट क्लेम नहीं कर रहा है, तब आप ये कंप्लेन लेके जा सकते हैं ओम्बडसमैन के पास। एनी और पार्शियल और टोटल रिपीटेशन ऑफ क्लेम्स बाय लाइफ इंश्योरर, जनरल इंश्योरर और हेल्थ इंश्योरर, मतलब कि आपको जब वो बेचा था इंश्योरेंस तब कुछ बोला था, अब वो पूरी तरीके से मुखर जा रहा है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ऐसा तो लिखा ही नहीं कहीं पे, तो उस कंडीशन पे भी आ जा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बडसमैन के पास। एनी डिस्प्यूट अबाउट द प्रीमियम पेड और पेएबल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वही बात है कि आपने ज्यादा पैसा दे दिया, कम पैसा दे दिया, प्रीमियम का कोई भी इशू है, तब भी आप जा सकते हैं ओम्बडसमैन के पास। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन एट एनी टाइम इन द पॉलिसी इन डॉक्यूमेंट और द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी चीज को तोड़ मरो के पेश किया गया या फिर कोई चीज आपसे छुपाया गया या फिर हिडन कॉस्ट है जो आपको बताया नहीं गया, उस कंडीशन का भी कंप्लेन लेके आप जा सकते हो किसके पास, मिस्टर ओम्बडसमैन के पास। लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सो फार एज डिस्प्यूट रिलेट्स टू द क्लेम। वही बात, अगर लीगल कंस्ट्रक्शन में भी कोई इशू है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ वो मतलब एक फ्रेमवर्क ऐसा बन गया जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, फिर लीगली जो है वो सही नहीं है, तब भी आप उस इशू को लेके जा सकते हो ओम्बडसमैन के पास। पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटेड ग्रीवियंसेस अगेंस्ट इंश्योरर्स एंड देयर एजेंट एंड इंटरमीडिएटरीज, मतलब सर्विस नहीं दे रहे हैं सही से, ठीक है, आपको रिटर्न सही से नहीं आ रहा है, वो जो आपका एजेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको अगर पॉलिसी सर्विसिंग में कोई भी इशू है फिर भी आप जा सकते हैं ओम्बडसमैन के पास। इश्यूएंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट कंफर्टी विद द प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय द प्रपोजर। वही बात है कि आपको जो आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें जो भी क्लॉज लिखे गए हैं उसके साथ वो जो लास्ट में आपका रिटर्न देते वक्त जो क्लॉज आपको पढ़ाया गया फिर बताया गया उसके साथ मैच नहीं खाता है, तब भी आप इंश्योरेंस कंप्लेन इंश्योरेंस ओम्बडसमैन के पास जा सकते हैं अपने कंप्लेन को लेकर। ठीक है, हाउ द कंप्लेन कैन बी लॉज्ड, द कंप्लेन इज टू बी मेड इन राइटिंग और मे बी लॉज्ड थ्रू द पर्सनल अप्रोच थ्रू पोस्ट फैक्स और ईमेल। अभी तो ईमेल वाला सिस्टम भी आ गया, पहले ईमेल वाला सिस्टम नहीं था, आपको एक व्हाइट पेज पे लिख के जैसे आप देते फॉर्मल लेटर आपको लेटर देना पड़ेगा ओम्बडसमैन को और उसके बाद आप उसके साथ आगे जो भी प्रोसीडिंग होता है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम लिमिट, अब कितने दिन तक दे सकते, ये तो मैंने बताया कि जब भी आपको कोई इश्यू है 30 डे का विंडो देना पड़ता है इंश्योरेंस जो इंश्योरर हो उसको, लेकिन आप कितने दिन तक, क्या आप 30 डे के बाद किसी भी टाइम पे एन अमाउंट ऑफ टाइम ले सकते हो क्या कंप्लेन लॉन्च कराने में, तो नहीं है। ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन के बाद विद इन 1 ईयर, इस 30 दिन के बाद याद रखिए, इस 30 दिन के बाद विद इन 1 ईयर आपको कंप्लेन लॉन्च करवाना पड़ेगा। अगर 1 ईयर क्रॉस हो गया तब फिर आपका कंप्लेन जो है वो वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट बहुत अगर आपका कुछ ये क्या बोलते हैं एक्सेप्शन केस हो तो, ठीक है, एक्सेप्शन केस में 1 ईयर के बाद भी कुछ टाइम दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 ईयर का टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए दोस्तों, नो कंप्लेन टू द इंश्योरेंस ओम्बडसमैन शैल लाई अनलेस द कंप्लेन इज मेड विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंश्योरेंस रिजेक्टिंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द इंश्योरेंस विच इज नॉट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंप्लेंट। वही बात है कि 30 दिन के बाद, वो जो 30 दिन है उसके बाद 1 साल तक, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 30 दिन ही हो, जैसे कि मैंने पिछले बताया था, अगर आपको 2 दिन में ही आ गया उसका रिप्लाई, ठीक है, जो कि आपका मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं या फिर वो रिजेक्ट कर दिया, तब आप वहां से 1 साल तक आपके पास टाइम लिमिट होता है कि आप जाके इंश्योरेंस ओम्बडसमैन के पास कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर आता सेटलमेंट प्रोसेस, लोग सेटलमेंट करता है कैसे, सबसे पहले जो आपका ओम्बडसमैन है वो पहले रिकमेंड करता है फिर अवार्ड करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन मतलब क्या है, सबसे पहले ओम्बडसमैन विल एक्ट एज अ इमीडिएटर, वो एक मिडिल ग्राउंड निकालने का कोशिश करता है आप में और इंश्योरर में, इंश्योर्ड और इंश्योरर में। अराइव एट अ फेयर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट, जो भी आपका डिस्प्यूट का फैक्ट है उसको अच्छे से सुनता है, दोनों साइड का दलील को सुनता है और फिर एक फेयर रिकमेंडेशन निकालता है कि नहीं ये होना चाहिए। इफ यू एक्सेप्ट दिस इज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अगर आपको लगता है कि यही जो आप जो ओम्बडसमैन जो किया वो सही है, आपको लगता है कि हाँ ये जो डिसीजन है दैट इज राइट फॉर मी, देन द ओम्बडसमैन विल इन्फॉर्म द कंपनी विच शुड कंप्लाई विद इन द टर्म्स ऑफ 15 ईयर। मतलब वो जो है कि ओम्बडसमैन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ये इन्फॉर्म करेगा और 15 दिन में
आपका जो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अवॉर्ड क्या है, इफ अ सेटलमेंट बाय रिकमेंडेशन डज नॉट वर्क, अब रिकमेंड करने के बाद भी अगर सेटलमेंट काम नहीं करता या फिर ओम्बड्समैन जो 15 दिन तक आप देख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ओम्बड्समैन विल पास एन अवॉर्ड विद इन 3 months ऑफ द रिसीविंग ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कंप्लेंट एंड विच विल बी बाइंडिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर 15 दिन बाद आपका कोई वहां से रिप्लाई नहीं आया या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो जैसा बोला गया था, तब आप फिर उसको ओम्बड्समैन को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो वो फिर एक अवार्ड छोड़ेगा, अवार्ड पास करेगा जो कि 3 महीने तक वैलिड होगा, और ये जो है वो बाइंडिंग होता है फॉर इंश्योरेंस कंपनी। वो जो 3 महीना है 3 महीने में उनको देना ही देना है, उनको उस चीज को सेटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वंस द अवार्ड इज पास द इंश्योरर शैल कंप्लाई विद द अवार्ड विद इन द 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अवार्ड एंड इंटीमेट द कॉम्प्लेंट्स ऑन द सेम टू द ओम्बड्समैन। अब क्या है कि अब एक बार अवार्ड पास हो गया तो 30 दिन के अंदर जो है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जो है वो सेटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अगर क्लेम सेटल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप फिर ज्यूरिडिक्शन के पास जा सकते हो, अपना अपना नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास आप अप्रोच कर सकते हो। अब क्या है कि क्या हो, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ इंश्योरेंस। अब जरूरी नहीं है ना कि अगर आपका ओम्बड्समैन है उसका जो भी राय आएगा वो आपके लिए सही हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये जो आया फैसला वो मेरे हित में नहीं है, मेरे को ये सही नहीं लग रहा, तब आप क्या करोगे, क्या आप अपील कर सकते हो ओम्बड्समैन के अगेंस्ट? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको उसका सही नहीं लगा तो आप सीधे कोई भी कोर्ट अपने जस्टिस कोर्ट में चाहिए और उस इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक इंश्योरर है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके लिए ओम्बड्समैन का बात मानना बाइंडिंग हो जाता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक इंश्योर्ड ओम्बड्समैन के अगेंस्ट जा सकता है, बट एक इंश्योरर ओम्बड्समैन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक बार पढ़ लो इसको, इन केस ऑफ कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू टेक रिकोर्स टू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। अगर पसंद नहीं आया तो वो लॉ के पास जा सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। However, the award of insurance ombudsman shall be binding to the insurer. मतलब ये insurer है, जो insurance company है, वो इसके against नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। ये था पूरा insurance ombudsman का, आपका मैंने शुरुआत से लास्ट तक मैक्सिमम सब चीज कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो YouTube का हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पेज को हमें मेल कर सकते हैं welcometopracticezone@gmail.com। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।